नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक साथ तीन महान विभूतियों को भारत रत्न भारत सरकार ने दे दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक सुधारों के जनक पीवी नरसिम्हा राव, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह और इस देश में हरित क्रांति के जनक, या यूं कहें कि देश को भुखमरी से बचाने वाले महान कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। पिछले दिनों ही स्वामीनाथन का निधन हो चुका है और इससे पहले दोनों महान विभूतियां, पूर्व प्रधानमंत्री भी अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसके पीछे प्रत्यक्ष तौर पर यह दिखता है कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसी साल 2024 में ही, इससे पहले कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, दलितों शोषितों के मसीहा, उनको भारत रत्न मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक अलग आयाम देने और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारा काम करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये सम्मान इसी साल दिया गया है। यानी यूं कहें कि 2024 में ये फरवरी का महीना चल रहा है और पांच महान विभूतियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। स्वाभाविक है इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा, लोग देख रहे हैं, क्योंकि वजह है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के तुरंत बाद नीतीश कुमार की NDA में जाने की अटकलें तेज हुई थी और यूं कहा गया था कि नीतीश कुमार ने ये शर्त रखी थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग वो लंबे समय से कर रहे हैं, वो क्या कहकर पब्लिक फेस पर, पब्लिक पोर्टल पर, पब्लिक फोरम पर वो क्या कहेंगे कि कोई NDA में क्यों जा रहे हैं। इसलिए भारत रत्न जरूरी है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नीतीश कुमार की मांग पर दिया गया और नीतीश कुमार NDA में चले गए। जयंत चौधरी के NDA में जाने की चर्चा इधर एक हफ्ते से लगातार चल रही थी, RLD के चीफ, जबकि एक तरीके से सीटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी के साथ उनका हो गया था, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि वो BJP के साथ NDA में जा रहे हैं। कल से इस बात की चर्चा थी और आज सुबह तक इस बात की चर्चा थी कि जयंत चौधरी ने शर्त रखी है भारत रत्न उनके बाबा जी को, उनके दादाजी को, चौधरी चरण सिंह को। जयंत चौधरी ने शर्त रखी है तुगलक रोड का वो 16 नंबर बंगला जिसे अभी पिछले साल ही खाली कराया गया था, उस बंगले में चौधरी अजीत सिंह शुरू से रहे, उससे जुड़ाव भी है, पार्टी का कार्यालय भी चलता था, स्मारक भी बयान बनाने की मांग हुई थी, वो बंगला भी चाहिए, उसे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों और जाट समुदाय ने अपने आन बान शान से जोड़ लिया था और आंदोलन भी हुआ था, धरना प्रदर्शन भी हुआ था, वो बंगला भी एक शर्त रखी है। 4 लोकसभा सीटें और उत्तर प्रदेश में 2 मंत्री पद भी चौधरी अजीत के बेटे चौधरी जयंत चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 1 राज्यसभा और 2 लोकसभा की सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देने को राजी हो गई, यह भी खबर है। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि उधर डील हुई और इधर डिलीवरी आज हो गई, यानी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न। BJP के साथ जाने के लिए कोई कारण होना चाहिए था और वो कारण चौधरी चरण सिंह, सर्वमान्य नेता किसानों के, जाटों और किसानों के बीच चौधरी जयंत क्या कहेंगे, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब किस मुंह से इनकार करेंगे।
तो क्या उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है? क्या भारत रत्न वीर सावरकर को भी एक दो दिन में मिलने वाला है क्या? यह बहुत जल्दी मिलने वाला है क्या? और उद्धव ठाकरे भी क्या फिर ये कहेंगे कि अब किस मुंह से मना करें एनडीए में जाने की? राज ठाकरे ने भी कहा इस देश में अगर सभी को आप दे रहे हैं, बहुत सारी विभूतियों को आप भारत रत्न दे रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे को क्यों नहीं? उनसे बड़ा कार्टूनिस्ट था क्या? मायावती ने स्वागत किया इस देश की सबसे बड़ी दलित नेता और मांग की कि मान्यवर काशीराम की तरफ क्यों नहीं देख रहे? मान्यवर काशीराम की तरफ भी देखिए हुजूर, दलितों की तरफ भी देखिए। मायावती ने तो यह कहा कि भाई दलितों की तरफ भी देखिए। तो क्या ये भारत रत्न को लेकर कोई पॉलिटिक्स चल रही है क्या? क्या प्रधानमंत्री का यह मास्टर स्ट्रोक है सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से? और मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर राजनीतिक व्यक्ति कोई निर्णय लेता है तो उसमें राजनीति निश्चित तौर पर होती है। तो मंथन में आज चर्चा इसी बात की कि 2000 के जो 2024 का चुनाव है, क्या यह भारत रत्न 2024 के भारत रत्न है क्या? बड़ा सवाल। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद उनके पोते और आरएलडी के चीफ चौधरी जयंत ने कहा कि मोदी जी ने दिल जीत लिया। तो दिल के बाद क्या 12 तारीख को, जैसा कि लगभग तय है, वो दल भी जीत लेंगे? और बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री में एक खसूसियत है, एक विशेषता है उनके अंदर कि वो जो लक्ष्य बहुत बड़ा तय करते हैं और उसे पूरा करने के लिए, जैसे उन्होंने 400 पार का लक्ष्य रखा इस लोकसभा चुनाव में, तो जब लक्ष्य बड़ा होगा तो यत्न और प्रयत्न भी बड़े होंगे। थोड़े समय पहले ऐसा लग रहा था कि इंडिया वाला गठबंधन तगड़ी चुनौती देने जा रहा है और 15-20 दिनों के अंदर पूरा खेला पलट गया। चारों तरफ विपक्ष खंड खंड विखंडित नजर आ रहा है और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी लगातार चुनावी रथ लेकर आगे बढ़ती जा रही है। पूरा गुणा गणित क्या है, भारत रत्न के पीछे क्या कोई पॉलिटिक्स है, यह सिंपल सा फंडा है कि जिन्हें सम्मान नहीं कि कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार महान हस्तियों पर मेहरबान। मोदी सरकार देश की महान हस्तियों पर मेहरबान है। लगातार सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न देने के ऐलान किए जा रहे हैं। इस साल सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए 5 हस्तियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी को भी ये सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। अब वहीं केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है। जयंत ने लिखा, दिल जीत लिया। रालौद के मुखिया जयंत सिंह के दादा और किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को काफी समय से भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी। पीएम के ऐलान के बाद जयंत चौधरी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, दिल जीत लिया। मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है,
देश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हैं, और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। तीनों शख्सियतों को भारत रत्न मिलने के बाद सियासी दलों के नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हम बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसी प्रकार के फैसले लेते हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाई जा रही थी, हमें सम्मान देने की बेहद खुशी है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी इस सम्मान को लेकर सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया है। बहुत बधाई, और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, और सच्चाई यह है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया? नहीं नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। चौधरी साहब को भारत रत्न दिए जाने पर समूचा ग्रामीण भारत, असली भारत गौरवान्वित है, और इस प्रसन्नता के लम्हे को वो बहुत जोश खरोश के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। मैं भारत सरकार की सराहना करना चाहता हूँ। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के निर्माण में खास भूमिका निभाने वालों को ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 2024 में मोदी सरकार की तरफ से 5 महान हस्तियों को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद देश की सियासत में क्या असर देखने को मिलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव, उनको इस बात के लिए नवाजा गया है भारत रत्न से कि उन्होंने इस देश के आर्थिक ढांचे और आर्थिक सुधारों को एक नई परिभाषा दी। इस बात को लेकर उन्हें भारत रत्न मिला है। स्वामीनाथन साहब का अद्भुत योगदान है, चौधरी साहब की सामाजिक सेवाएं अलग हैं, आडवाणी जी की सेवाएं अलग हैं, कर्पूरी ठाकुर की सेवाएं अलग हैं। आज वास्तव में नरसिम्हा राव को लेकर जो बात हो रही है कि वो गांधी परिवार और कांग्रेस में एक अलग धारा के नेता थे और गांधी परिवार के प्रबल आलोचक थे, चाहे नरसिम्हा राव हो चाहे चौधरी साहब हो, ये उस परिवार और परिवारवाद के खिलाफ इनकी राजनीति रही है, चाहे कर्पूरी ठाकुर भी हो, आडवाणी जी हो, इसलिए उनको तरजीह दी गई है या इनको पुरस्कार से नवाजा गया। और दक्षिण, चूंकि 132 सीटें हैं साउथ में, ये भी आज इस पूरे घटनाक्रम को सभी ने लगभग राजनीति से जरूर जोड़कर देखा, और इसे प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक भी बताया गया कि ये मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक आते रहते हैं समय समय पर। हमारे साथ चर्चा में चौधरी कमरपाल सिंह, किसान नेता जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत, बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब को भारत रत्न मिला, इसके लिए आपको बहुत बधाई। किसानों के नेता अनुभव चक साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव जी, आपको भी बहुत बधाई धन्यवाद। सचिन सिरोहा, RLD के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी, आपको भी बहुत बधाई बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक, राजू जी मुझसे कल से ही कह रहे थे कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिलने वाला है। ये शायद मुझे लगता है देश में ऐसे पहले राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार होंगे जो इस बात को कम से कम मुझसे कल ही इन्होंने कहा था। आज सुबह फिर इन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिलेगा और 16 नंबर कोठी भी वापस मिलेगी,
अब सीटों पे पेच फंसा हुआ है, आज ही सुबह कहा था। और जब मैं दफ्तर आया तो चौधरी साहब को भारत रत्न मिल चुका था। गौरव जैन कांग्रेस के बेहद तेज तर्रार युवा नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और रामचंद्र मूर्ति साहब हमारे साथ दक्षिण से जुड़े हैं, आंध्र प्रदेश से, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। मूर्ति साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। अनुभव चक से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। अनुभव चक, ये टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। काम तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, लेकिन टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, बड़े जबरदस्त है। और ऐसा विपक्ष को फंसा दिया कि अब कसमसा रहे हैं, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। सोनिया गांधी से भी जब पूछा जा रहा है, भाई नरसिम्हा राव को दिया गया है, बाकी लोगों को दिया तो वो भी करें, बहुत अच्छा सरकार की तारीफ की। आप लोगों का इसमें कोई जोड़ नहीं है, अद्भुत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप गठबंधन बनाने के लिए आपको भारत रत्न बांटना पड़ेगा? कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार को आना है, शर्त रखी भैया दे दो तो कोई बहाना बने तो हम आवें। जयंत चौधरी करेंगे मेरे दादा को दो, तभी हम पब्लिक को क्या फेस करके कहेंगे कि किसानों के सबसे बड़े नेता को दो तो इससे फेस सेविंग होगी। वो भी आ गए। उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि सावरकर साहब को दे दो, एक दो दिन में मुझे लगता है सावरकर साहब को मिलने वाला, तो हो सकता है उद्धव ठाकरे भी कह दें कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूं, दिल जीत लिया। जैसे अभी जयंत चौधरी ने कहा कि दिल जीत लिया, किस मुंह से इनकार करूं, अब तो इकरार ही इकरार है। और इसी तरीके से बाला साहब ठाकरे के भतीजे ने अपने चाचा के लिए मांग कर दी कि भैया बाला साहब से बड़ा तो कार्टूनिस्ट कोई देश में था ही नहीं। और बहन जी कह रही है कि भाई दलितों की तरफ भी देखो, मान्यवर काशीराम की तरफ भी देखो, और आप तो काशीराम जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। अनुभव चक दुर्गेन जी, सबसे पहले तो जो आज भारत रत्न जिनको दिए गए, सभी को बधाई शुभकामनाएं। और जो मास्टर स्ट्रोक की बात करिए, तो विपक्षी दल या जो उसको एनालिसिस करने वाले लोग इस तरीके की चर्चा तो करते ही रहेंगे, लेकिन ये एक सच्चाई है कि देश निर्माण में या राजनीति में जिसने भी अपना एक योगदान दिया, अहम योगदान दिया, उनको इतने वर्षों बाद भी भारत रत्न से वंचित रखा गया था, उनको आज मोदी सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, और शायद इसी वजह से कोई भी विपक्षी दल, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, वो इसकी तरफ उंगली नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि वो खुद जान रहा है कि जिनको भी भारत रत्न दिया गया है वो एक ही विचारधारा के नहीं, अलग अलग विचारधारा के लोग, और भारत निर्माण में उनका कुछ ना कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उन व्यक्तियों को दिया गया है। तो सबसे पहले तो इस कदम का स्वागत सभी लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक आपने कही टाइमिंग की, तो टाइमिंग एक राजनीति में एनालिसिस करने वाले लोग इसको भी टाइमिंग से ही जोड़ेंगे, लेकिन राजनीति अगर व्यक्ति कर रहे हैं तो अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए, इसमें गलत क्या है? विपक्षी दल क्यों नहीं अपनी कमियों की तरफ देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि उनकी सरकारों में देश के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया? अगर उस समय ये ऐसा कर देते, कदम उठा देते, तो इनको आज ऐसा बार बार टाइमिंग पे प्रश्न चिन्ह लगाने का, या किनको दिया गया अपना सर खुजलाने का इनको जो आज मौका मिल रहा है, वो नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को भारत रत्न से नवाजते रहे, उन लोगों को नवाजते रहे जिनके आसपास के लोग थे और जिनका भारत निर्माण में योगदान था, क्योंकि विचारधारा से वो सहमत नहीं था, चाहे बाबा साहब अंबेडकर रहे हो, चाहे अन्य महापुरुष रहे हो, इनको हमेशा इन्होंने नेपथ्य में ढकेलने का प्रयास करा। और आज इसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हो गई है कि वो कांग्रेस पार्टी जो कभी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज तमाम राज्यों में जो राज्य के दल हैं वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से परहेज करते दिखाई दे रहे हैं। अभी जिस इंडी अलायंस की चारों तरफ धूम मस्ती दिखाई दे रही थी, आज उस इंडी अलायंस के घटक दल एक एक करके बिखरते जा रहे हैं और सारा दोष वो एक ही पार्टी पर लगा रहे हैं। कांग्रेस का घमंड अभी भी दूर नहीं हुआ है और वो राज स्तरीय पार्टियों को वो महत्व देने को तैयार नहीं है जिनकी हकदार राज स्तरीय पार्टी। ठीक है, ठीक है अनुभव, मैं लौटता हूं आपके पास, इसका जवाब गौरव जैन से ले लेता हूं। गौरव जैन, बात तो ठीक कह रहे हैं, अभी भी आपने 2004 से 14 तक 10 साल सरकार चलाई,
आप लोगों को ये लोग नहीं याद आते हैं, बात तो ठीक है, आप घर ही में बांट लेते हैं भारत रत्न हो, और फिर आप कहेंगे कि टाइमिंग गलत है और इसके लिए चाहिए उसके लिए चाहिए, बात तो ठीक है। अगर आप ही इनकी चिंता किए होते, अगर आप कर्पूरी ठाकुर और दशरथ मांझी को भी ध्यान रखे होते, अभी दशरथ मांझी को भी मिलने वाला है, हो सकता है कि थोड़े दिन बाद उनको भी मिल जाए, तो शायद नहीं होता। आप तो आपस में बांटते रहते हैं पुरस्कार, जैसा बीजेपी का आरोप है। गौरव जैन, देखिए शुरुआत से आपको भारत रत्न बताता हूँ किन किन लोगों को कांग्रेस की सरकार ने दिया। सबसे पहले सी राजगोपालचारी जी थे, उनके ऊपर किसी को अगर आपत्ति हो बताइए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उसके बाद महान साइंटिस्ट सी वी रमन जी थे, उसके बाद विश्वेश्वरा जी थे, उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत जी थे, उसके बाद आपके विधान चंद्र रॉय थे जो बहुत जाने माने फिजिसिस्ट थे, फिर उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन थे जो बहुत ही। आप नेहरू काल में चले गए, हम 10 साल यूपीए की बात कर रहे हैं। मैं आपको आपको भी 2002 से बता देता हूँ, 2004 से भीमसेन जोशी जी थे, सीएनआर राव जी थे जो केमिस्ट थे बहुत बड़े, उसके बाद आपके तमाम लोग लता मंगेशकर जी हों, बिस्मिल्ला खान जी हों, ये सब लोगों को मिलता रहा। अब इसमें ये कहना कि किसी को नहीं दिया किसी को दिया, आप एक बात बताइए, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जितने भी नेता हैं, आप उनको सबको भारत रत्न दे दीजिए, पद्म भूषण दे दीजिए, पद्म विभूषण दे दीजिए, उसके बाद सिर्फ एक चीज बताइए, क्या उससे देश की जितनी समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी? आप आज बात कर रहे हैं कि हमने जो किसानों के नेता हैं और स्वामीनाथन जी हैं जिन्होंने किसानों के लिए लंबी एक उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उसी पॉलिसी को लेकर के किसान जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, आपने उन्हें भारत रत्न दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है आप उसको कब अप्लाई करेंगे? अगर आप एक बार उनको अप्लाई कर ले तो शायद सच्ची श्रद्धांजलि हो जाती। और आपको क्यों याद आया कि चुनाव के आखिरी वर्ष में एक महीने पहले 15 दिन पहले जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है उसके वक्त आप दे रहे हैं भारत रत्न, 3 नहीं 5 5 दे रहे हैं, जबकि रूल 3 का होता है, आप 5 दे रहे हैं, अच्छी बात है। और जितने भी लोगों को दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो दे रहे हैं, अच्छी बात है। हमें अच्छा लगा कि इनके पास कम से कम वापस कांग्रेस के ही लोग हैं, उनके पास ही आना पड़ा, तो बहुत अच्छी बात है। दलगत राजनीति से होता, प्रशंसा करिए भाई, दलगत राजनीति से उठकर ऊपर वो कह रहे हैं भाई। सच में अगर सम्मानित करना है तो उनके विचारों का अनुसरण करें, और उसके बाद उनकी जो सिफारिशें थी, उनके द्वारा जो रिपोर्टें बनाई गई थी, उनके जो व्यूज थे, उनके जो विचार थे, उनको अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से उनको श्रद्धांजलि होगी और उनको जो सम्मानित। अगर चौधरी चरण सिंह हो, स्वामीनाथन हो, नरसिम्हा राव हो, इसमें किसी में एतराज है आपको? कोई एतराज नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और मैं तहे दिल से सरकार का और राष्ट्रपति जी का इसमें अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने तीनों लोगों के लिए, इतने महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको उन्होंने भारत से सम्मानित करा। अच्छा ठीक बात है, मैं कमरपाल सिंह के पास आता हूँ, चौधरी कमरपाल सिंह, दो कृषि से जुड़े दो महान लोगों को ये पुरस्कार मिला है, चौधरी साहब और स्वामीनाथन साहब, इसके पीछे क्या वास्तव में इन महान विभूतियों के प्रति सम्मान है या कोई पॉलिटिक्स है, राजनीति है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट बैंक है, या चौधरी जयंत को कुछ फेस सेविंग के लिए चाहिए था? देखिए 26 साल से हमारी ये मांग थी हर जगह पूरे देश में, किसान कमेरे वर्ग वो एक नेता, महान नेता रहे जो गांव और क्षेत्र, गांव गरीब गांव वालों की मतलब हर जितनी भी उनकी समस्याएं थी उसका समाधान करने के लिए राजनीति में हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी आए। और 26 साल से हम लगातार धरने प्रदर्शन के, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दो, चौधरी अजीत सिंह जी ने भी और हम सब किसानों ने भी, किसान मजदूरों के मसीहा थे। आज बहुत बड़ा दिन है और माननीय मोदी जी का हम तहे दिल से ये उनका जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, क्यों कर्पूरी ठाकुर को जैसे ये सम्मान, कर्पूरी ठाकुर को गरीब घर मुख्यमंत्री बिहार का बनाया था, और वो भी सच्चे अच्छे ईमानदार चौधरी चरण सिंह जैसे नेता कर्पूरी ठाकुर साहब भी रहे, तो मैं तो यार संपर्क कुछ गड़बड़ा रहा है, मैं रामचंद्र मूर्ति साहब का रुख करूंगा। मूर्ति साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, नरसिम्हा राव को
जो भारत रत्न दिया गया है उसके पीछे दक्षिण की गुणागणित क्या समझ में आती है? या सिंपल सा ये है कि नरसिम्हा राव के प्रति बहुत अगाध प्रेम है मोदी जी के हृदय में, मैं ये जरा समझना चाहता हूं आपसे। नरसिम्हा राव बहुत पॉपुलर आदमी है, मगर उनका योगदान बहुत है इंडिया के लिए, और कांग्रेस में रहा उन्होंने, कांग्रेस में ही रहा, मगर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं की उनके बारे में। 2014 तक उनको भारत रत्न देना दिया गया था, नहीं दिए और उनको सम्मान भी नहीं दी। मोदी जी भी कह रहे थे कभी कभी इनको, उनका पार्टी में उनको अवमान हो रहा है, तो इन्होंने सम्मान किया, बहुत अच्छी बात है। और चरण सिंह जी जो कांग्रेस मदद से प्रधानमंत्री बना, और कर्पूरी ठाकुर भी कांग्रेस वाला है, कांग्रेस वाले के नजदीक है, ये तीनों को कांग्रेस करना था। कांग्रेस धारा में, कांग्रेस जब पावर में थी, जब वो लोगों को तीन लोगों को देना था, नहीं दिए। अब मोदी जी ने दिया, मोदी ने पांच लोगों को दिए। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जिसने सोचा कि अवार्ड भारत रत्न को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया। भी चरण सिंह का पोता अब एनडीए में जाने वाला है, और बिहार में नतीजा निकला हम देखें, और आंध्र तेलंगाना में भी उनको वोट ज्यादा मिलने वाला है, कुछ प्लस होने वाला है इस वजह से। नहीं मोदी साहब नरसिम्हा राव को लेकर क्या 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 तेलुगु अस्मिता का प्रश्न वहां लेकर बीजेपी जा रही है, क्या ये एंगल है? क्योंकि दक्षिण के राज्यों में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है अगर कर्नाटक को छोड़ दे बीजेपी की, तो क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है, राजनीति है, शुद्ध कोई बहुत अगाध प्रेम नहीं है, सीधे वोट के प्रति श्रद्धा है, क्या क्या कहा जाए इसको? थोड़ा भी अच्छा होता है इसके वजह से, ये भारत देने से थोड़ा बेहतर होगा बीजेपी के लिए। अच्छा, मतलब एक अच्छा संदेश जाएगा इसको लेकर। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने का संदेश प्राप्त हो रहा है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन सवाल यही है कि पांच जो भारत रत्न हैं, 2024 के भारत रत्न, जो आज हमारा कार्यक्रम है कि 2024 के भारत रत्न, क्या सीधे सीधे इस पे कोई राजनीतिक फायदा हो रहा है? भाई दो मसले, कर्पूरी ठाकुर और जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह, ये मसले तो सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं कि जो एनडीए में वापसी या एनडीए में जो दलों को शामिल करने के लिए एक रास्ता बनाया गया, हालांकि ये दोनों महान विभूतियां थी, इनको मिलना ही चाहिए था। जैसा मूर्ति साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी इन पुरस्कारों का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, अच्छे लोगों को देते हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक से लौट आ रहे हैं। इस बीच दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव भी शामिल हो चुके हैं चर्चा में, और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख करेंगे राघवेंद्र राजू का, राजनीतिक विश्लेषक हैं, देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह विश्लेषित करते हैं, समझते हैं। राजू जी, दो नजीर तो हमारे सामने आ गई, एक तो नीतीश बाबू ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को दो तभी रास्ता बनेगा, और चौधरी साहब की बात आप खुद बता ही रहे थे, जयंत चौधरी साहब की, तो क्या ये जो पुरस्कार हैं, सर्वोच्च पुरस्कार, क्या ये भी एनडीए में दलों की वापसी के लिए रास्ता बना रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं, लाल वाली कालीन बिछा रहे हैं क्या? राजू जी, दुर्गा जी, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 1954 से भारत रत्न देने की जो परंपरा शुरू हुई, और आपने देखा कि सबसे पहले जो है हमारे जो साइंटिस्ट थे, चंद्रशेखर रमन जी को दिया गया, डॉक्टर चंद्रशेखर रमन जी को, इसके बाद राष्ट्रपति थे माननीय हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और ये इसके बाद से लेकर के आज तक 2019 तक केवल 48 लोगों को मैं समझता हूं भारत रत्न दिया गया, और
भारत रत्न में सबसे युवा जो थे मेरे समाज सचिन तेंदुलकर जी को मिला। और यह भी बात सच है, विवाद तो तब शुरू हुआ था जब 1977 में जनता पार्टी जी सरकार थी उसने भारत रत्न पर रोक लगा दी थी दिल्ली, और 1980 में कांग्रेस ने इसे फिर शुरू किया। और हमारी जो आपने देखा होगा इतनी बड़ी मदद ऐसा जी को उन्होंने भारत रत्न कांग्रेस ने दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि समय समय पर अलग अलग लोगों को जो भारत रत्न दिए गए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ विवाद जरूर इस पर रहे। आज जो मामला आ रहा कि पिछड़े में, दलित किसानों में और दक्षिण की सियासत में जो आज भारत रत्न दिया गया, और काफी दिनों से आप देख रहे थे, खुद आपके चैनल पर ही डिबेट में था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो झारखंड है और हरित प्रदेश है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है कि हमारा जो खिसकता वोट बैंक है, और उसके पीछे जो आपने देखा होगा आगे तो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का था और जिस तरीके से समीकरण बने थे, तो उन समीकरणों को भी साधने का एक बहुत बड़ा उन्होंने रास्ता अपनाया है। और ये निश्चित तौर पर है कि समय समय पर, कल से मैं देख रहा हूं कि अखिलेश जी के साथ में जयंत चौधरी जी की फोटो लगातार लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो भी मैं भूले नहीं थे जब तुगलक रोड पर अजीत जी का बंगला खाली कराया जा रहा था, जिस तरीके से टिकट से लेकर सारे नेताओं को एक गुट सब लोग जो है आंदोलन के लिए। अरे राघवेंद्र जी, हाथरस में कैसे भाग रहे थे जयंत चौधरी, पुलिस लाठी लेके दौड़ा रही थी, वो दृश्य भी लोग शेयर कर रहे हैं। टोल प्लाजा में जैसे कूद कर भागे थे, वो दृश्य भी लोग अब शेयर कर रहे हैं। आज चौधरी साहब का सम्मान सबके प्रति है, चरण सिंह के, लेकिन आज ये दृश्य भी अब शेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर है दुर्गंध जी, जो आप दृश्य देख रहे हैं, अभी आप ये मामला उठा रहे थे कि भाई दलितों का मसीहा काशीराम नहीं है, और नहीं, बहन मायावती ने कहा कि भाई अब दलितों की तरफ भी देखो, ये कहा उन्होंने आज। यही तमाम बातें जो आ रही थी, लोगों ने कहा कि नहीं साहब ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसके बाद तमाम समाजवादियों की लड़ाई स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने भी लड़ी, खेल के क्षेत्र में ध्यानचंद को भी नहीं नकारा जा सकता, और युद्ध के क्षेत्र में ध्यानचंद से वोट नहीं मिलने वाला। राजू जी, ध्यानचंद दद्दा से वोट नहीं मिलने वाला, मैं बहुत कड़वी बात कहूंगा, अच्छी नहीं लगेगी कुछ लोगों को, ध्यानचंद दद्दा वोट नहीं दिला पाएंगे। बात से ठीक बात है, लेकिन ये बात सच है कि कहीं ना कहीं अगर स्वर्गीय राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का चंद्रशेखर जी और या ध्यानचंद का नहीं दिया गया, आप बता दीजिए कि 48 जो पहले भारत रत्न दिए गए, अभी 5 दिए गए, एक भी देश में किसी भी राजपूत समाज के व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया। तो ये राजनीतिक जो वोट बैंक की बुरा भाग का जो सियासत है, जो पार्टियां उसमें ये नहीं है, जो पार्टियां कमोवेश अपने जाति संतुलन को सब करके और जातिगत जनगणना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है, जब नीतीश कुमार नहीं थे तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं भाई हम तो किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और जातिगत जनगणना भी मांग की, लेकिन 5 राज्यों में जो चुनाव में उन्होंने देखा कि जो समीकरण था इसमें कहीं जातिवाद का मामला सामने नहीं आता। आपकी बात अपनी जगह सही है, सियासत हर आदमी सत्ता को सुख भोगना चाहता और कुर्सी पाने और चोला का रंग बदलने का ये दौर है, उसमें ये निश्चित तौर पर है कि लंबे समय से जयंत चौधरी जी भी संघर्ष कर रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत दूर से उन्होंने डिग्री हासिल की है, और उनके परिवार में भी एक समय ऐसा आया था जब उनके परिवार में उनकी जो लोकदल असली था वो टूट करके उसके अध्यक्ष सुनील जी बन गए थे, उनके ही परिवार के थे, तब माननीय अजीत सिंह जी को अलग पार्टी बनानी पड़ी थी, लेकिन काफी समय अजीत जी और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की जोड़ी बहुत समय तक खेल रही। आज जयंत चौधरी के साथ जयंत जी की जोड़ी और अखिलेश जी की जोड़ी, ये निश्चित तौर पर एक जनमानस में इस तरीके से जो आप मैसेज जा रहा है वो निश्चित तौर पर अवसरवादिता की राजनीति में लोग मान रहे हैं। और आप देखिए राघवेंद्र जी, वो किसान सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, वो किसान तो सवाल पूछेंगे, जो इतने दिनों तक वहां दिल्ली में डेरा डाले रहे, उन्होंने कीले झेली, बारिश झेली, 700 से अधिक किसान मरे, वो भी तो सवाल पूछेंगे चौधरी साहब से, कि ये कहेंगे कि भाई अब दिल जीत लिया, अब मैं किस मुंह से इनकार करूं, तो उन किसानों वो के बीच जब जाएंगे तो वो भी तो पूछेंगे उनसे। अभी भी नोएडा में किसान आंदोलन खड़ा किए हुए थे और आपने देखा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन खड़ा हुआ, जयंत जी उसमें गए, जंतर मंतर में जयंत जी गए, कहने का तात्पर्य जो उन्होंने
स्टोरी लिखी या कथा लिखी उस पटाखा में सबसे पहली उनकी जो मांग थी वो यही थी कि स्वर्गीय चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर किसानों के बड़े नसीहत थे और माननीय मुलायम सिंह जी से लेकर के सभी समाजवाद के लोग चरण सिंह जी को अपना नेता मानते थे। ठीक है, यह निश्चित तौर पर है दुर्गम जी कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चंद्रशेखर जी और ध्यानचंद जी, अगर आप जातियों के समीकरण में अगर राघवेंद्र जी लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो, हर राज्य से भारत रत्न चाहिए हर राज्य को, अब बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सावरकर जी के लिए मांग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, अब लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो भी भाई भारतीय जनता पार्टी में उनका वीर सावरकर जी को लेकर के उन्होंने कई बार भाई मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? वीर सावरकर को देने में क्यों दे रही? मैं कह रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं कि वीर सावरकर को क्यों नहीं दे रहे हो भाई, आप क्यों नहीं दे रहे हो? कि अब सावरकर जी का तो आप ही झंडा बरदार हो, आप लोगों को देना चाहिए अनुभव चक। वीर सावरकर जी को भी देना चाहिए, कहने का तात्पर्य है कि आप, मैंने बताया नहीं कि 2019 तक से 45 लोगों को मिला और 2019 से लेकर के आज तक अभी 2024 में 5 लोगों को मिला। अच्छी बात है, 2024 में ही 5 लोगों को है, 19 तो छोड़ दो, 2024 में ही 5 लोगों को है, 19-19 का गुणा गणित छोड़ो, हमने कहा 19 का गुणा गणित छोड़ो, 24 में 5 लोगों को, 24 में 5 लोगों को, 2024 में 5, 2024 के भारत रत्न 5 लोगों को 24 में मिला है। अनुभव चक, ये तो पूरे राज्यों से तमाम जगह से मांगा गई, मान्यवर काशीराम को क्यों नहीं, वीर सावरकर आदि पुरुष क्यों नहीं भाई, उनका भी आजादी में योगदान रहा है, उनको क्यों नहीं? हो सकता है कि 2-4-5 दिन में चुनाव, जब मैं समझता हूँ 8-9-10 मार्च में जब आचार संहिता लगे, उम्मीद ये जताई जा रही है आज लखनऊ के जनमानस में ये चर्चा बहुत आम है कि करीब करीब भारतीय जनता पार्टी लगभग अपनी काफी 144 सीटें तय कर चुकी है और उनका एनालिसिस चल रहा है इन 15-16 सीटों पर। ठीक है राघवेंद्र जी, लौटेंगे जरा बाकी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, लौटेंगे। महेंद्र जी, क्या ये दलों को लाने ले जाने, राजनीतिक सड़क बनाने के लिए, क्या इन इतने जो देश के सर्वोच्च और श्रेष्ठतम प्रतीकों का भी इस्तेमाल होता है क्या? राघवेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास, महेंद्र जी से जरा सवाल लेना, महेंद्र सिंह जी। दुर्गेंद्र जी, दरअसल थिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसका जिक्र आप कर रहे थे, ये आप समय देखिए कि और जिस वक्त टारगेट रखा है नरेंद्र मोदी सरकार ने कि हमें इतनी सीटें जीतनी है और पूरा कुनबा बढ़ाने की कोशिश हो रही, आप देखिए कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, नीतीश कुमार को लाया गया, सेफ पैसे मिला उनको, एक बहाना मिला, ऐसे जयंत सिंह के पास भी एक मुश्किल थी, राज्यसभा सदस्य बने वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से, बड़ी मुश्किल थी कि वो कैसे उसके लिए सेफ पैसेज मोदी ने दिया और वो पैसेज ये कि चौधरी साहब जो किसान नेता है और चौधरी साहब का सम्मान करने का मतलब है, फिर जयंत के लिए सेफ पैसेज मिल जाता है और जो मिल गया वो एक दो दिन में घोषणा हो जाएगी जयंत सीधा अभियान में। तीसरा आप देखेंगे नरसिंह राव साहब को, स्वामीनाथन साहब को, नरसिंह राव साहब को देने का मतलब ये हुआ कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरकार बड़ा मैसेज देना चाह रही है, बीजेपी बड़ा मैसेज देना चाह रही है और नरसिंह राव साहब की वहां पर अच्छी फॉलोइंग है। तीसरा स्वामीनाथन साहब का जो किसानों का मुद्दा है उसको डाइल्यूट करने के लिए स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिया गया और हो सकता है बीजेपी आगे आने वाले समय में जो किसानों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हो रही शायद उस पर भी कुछ होगा आंशिक रूप से पूरा लागू करने में तो बहुत दिक्कत आएगी, वो कह रहे हैं 1,00,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा सरकार का, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है, एक स्टेप है स्वामीनाथन जी को। आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई स्वामीनाथन जी तो निश्चित रूप से महान देश के महान विभूति, उनको मिलना ही चाहिए था, लेकिन अगर उनके बताए रास्ते पर अगर अमल कर लेते तो उनकी आत्मा को और शांति मिलती, वो समझ जाते हमें भारत रत्न मिल गया, ये भी सवाल उठा रहे हैं लोग निश्चित तौर पर। और दूसरा ये जयंत जी वाला मामला, ये सिर्फ वेस्टर्न यूपी का की बात नहीं है, चौधरी साहब को देना, चरण सिंह साहब को देना, इसका लाभ इन्हें दिल्ली और हरियाणा में भी मिलेगा और इसका लाभ कुछ हद तक राजस्थान में भी सरकार को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा,
तो चौधरी साहब किसान नेता के तौर पर और ये ब्रांड करेगी जाट नेता के तौर पर, किसान नेता के तौर पर, जाटों के सबसे बड़े नेता के तौर पर, वो उनका एक स्थापना उनकी बहुत पहले से है, जाट नेता से बड़ी देश के किसान नेता के तौर पे है निश्चित तौर पर, उसका दोनों तरफ से लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर ये सिलेक्शन गलत नहीं है, जो टाइमिंग की बात है, और नहीं सिलेक्शन किसी का गलत नहीं है, सबका अपना योगदान है, सिलेक्शन किसी का गलत नहीं, मैं हम और आप कैसे उंगली उठा सकते हैं उसकी सेवाओं पर, लेकिन टाइमिंग और जो पैसेज कि नीतीश कुमार को आना है तो भाई कर्पूरी जी को याद करो, बिल्कुल, और ये बहुत चौधरी अच्छा साहब को आना है तो बड़े चौधरी को याद करो, ये है। और सिर्फ पैसेज दिया गया है लोगों को कि आ जाइए, आपको आपकी रिस्पेक्ट बनी बरकरार रहेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है जेएनसी के लिए, ठीक बहुत बात मुश्किल है, था ठीक बात है। सरकार का आप मेंबर बनते हैं समाजवादी पार्टी के, उससे तो आप कैसे आएंगे, कैसे उनको कहेंगे कि साहब हम अलग होंगे, ये बहुत मुश्किल था। और समाजवादी पार्टी ने अपनी राज्यसभा में अपनी पार्टी का जो दर्जा था उसको खोकर चौधरी जयंत को राज्यसभा भेजा है, वो दर्जा खोया, अखिलेश यादव ने त्याग किया, बिल्कुल ठीक दे रहे थे, ऐसा कोई नहीं था। महन सिंह मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं लौटता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता चंचल यादव हमारे साथ जुड़े हैं। चंचल यादव, ये क्या मसला है, क्या कैसे बात बिगड़ गई, क्या हो गया? चौधरी साहब को तो भाई सभी लोग चाहते थे, अखिलेश जी ने भी कहा कि हमने भी मांग की थी, अखिलेश जी ने भी छोंक लगा दिया अपना उसमें। नहीं देखिए दुर्गेन जी, सबसे पहली बात की बात मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने लगातार कई बारी और लगातार मांग करती रही है और आदरणीय चौधरी साहब को मिला सम्मान, लेकिन एक जो बड़ी बात मैं बता दूं आपको, ये पीडीए की जीत, आप चूंकि पीडीए की जीत मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आदरणीय चौधरी साहब किसानों दलितों पिछड़ों के मसीहा थे, उन्होंने लगातार किसानों के लिए, पिछड़ों के अल्पसंख्यक के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, तो ये कह सकते हैं कि आज बीजेपी को इस बात को मजबूर होना पड़ा है, मजबूर होकर के उन्हें जो है सम्मान देना पड़ा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा लेकिन बीजेपी के लोग जो है आदरणीय चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे, आपने देखा होगा जिस तरीके से तीनों काले कानून देश में थोपे गए किसानों के ऊपर और सरकार को मुंह की खानी पड़ी जब 750 किसानों ने शहादत दी, लेकिन क्या सोचिए कि 750 किसानों के शहादत के बाद अगर आज आदरणीय चौधरी साहब होते और पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं करी, तो ये 2016 के बाद अब रिकॉर्ड ही नहीं आता भाई, किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड ही नहीं है अब कहीं। एनसीआरबी के डेटा आप उठा के देख लीजिए, कुछ उन्होंने दे रखा है, अब तो रिकॉर्ड ही गायब कर देते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपने दूसरी बात जो स्वामीनाथन साहब को मिला है, तो सिर्फ खुद स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, जो जो सिफारिश है उसको लागू नहीं। अरे चौधरी जयंत पर आओ, चौधरी जयंत पर आओ, हाथ मिलाया, समझौता हो गया और एनडीए में हो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अब कैसे इनकार करूं, वो फिल्म वाला गाना गा रहे हैं, किस किस को इनकार करूं, वो कह रहे हैं अब कैसे इनकार करूं, ये कह रहे हैं चौधरी जयंत। एक चीज तो समझनी पड़ेगी दुर्गेंद्र सर, देखिए आप आज के समय प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देख करके ये लग रहा है क्योंकि वो 400 का आंकड़ा पार करने की, मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं अनुभव जी आपके पास, मैं आता हूं, बोलिए, क्योंकि उनको पता है, सिंपल सी बात है, अभी अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर हमें लग जाए कि मतलब अकेले जीत सकते हैं हम लोग क्यों जोड़ेंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम जो है अगर इन पार्टियों को नहीं जोड़ेंगे, लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तो हमारी जो है तीसरी बार सरकार नहीं आने जा रही, ये प्रयास में लगे हुए, लेकिन जनता सब कुछ जान रही है, जनता समझ रही है, आपको जवाब देने जवाब भी देगी। कारण यह है कि आप जो भी मैंने आपने देखा होगा पीछे आदरी जेडीयू क्या नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो नीतीश कुमार जी रहे हो, चाहे हमारे अभी चौधरी साहब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। अरे कह दो, रामगोपाल जी कह चुके हैं, आप कह सकते हो, रामगोपाल जी कह चुके हैं उनका वोट बीजेपी ले गए, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रामगोपाल जी का एक बयान मैंने सुना था, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बयान है। जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी ने बड़ा सेक्रीफाइस करके आदरणीय चौधरी साहब को राज्यसभा भेजने का काम, जो आदरणीय चौधरी साहब सदन में का हिस्सा नहीं थे उनको भेज करके सम्मान देने का काम किया। अब ये तो चौधरी साहब को बताना होगा कि भाई कहां से कोई कमी रह गई है, क्यों जा रहे हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है और ये देश भी देख रहा है कि लोगों ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो है अपनी जो जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, ठीक है, आज देश की स्थिति क्या है देखिए, तो ये भी जो है सोचने की बात है, समझने की बात है, लेकिन एक बात है दुर्गेंद्र जी,
ये बात मैं कह सकता हूँ कि चंचल यादव, ये गड़बड़ी कहाँ रह गई? छोटे चौधरी क्यों चले गए भाई, गड़बड़ी कहाँ रह गई? आप लोग ये कहते रहो कि मोदी जी ऐसा करते हैं, मोदी जी वैसा करते हैं। मोदी जी बहुत बड़ा लक्ष्य तय करते हैं 400 पार, और फिर उसको अचीव करने के लिए खुद भी लगते हैं, अपने लोगों को लगाते हैं, और फिर आप लोगों का जो गठबंधन उसको खंड खंड कर देते हैं। ये है मोदी जी, खुश खुश होते रहिए आप। नहीं, खुश तो हम लोग सुनिए, देखिए आप ये बात जान लीजिए, 2024 की लड़ाई में उन सभी लोगों को शामिल होना है जो लोग देश बचाने की मुहिम में आ गए। ठीक है, अगली जयंत चौधरी को ठीक है डिपेंड करता है को क्या सोचते हैं क्या करते हैं। अब तो वो अब तो उस पाले में जा रहे हैं जिसको आप कहते थे कि देश उनसे खतरे में है, अब कहां वो देश बचा रहे हैं? निष्ठाएं तो रोज रोज बदल रही है कि आज हम देश बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं, कल सुबह पता नहीं हम बचाएं कि ना बचाएं, ये वाली स्थितियां हैं आप लोगों के। कई लोगों ने सत्ता पे रहने के लिए ना जाने क्या क्या कुर्बान, ना जाने क्या क्या ठीक है मतलब नैतिकता से। और ठीक है चंचल यादव, ठीक है ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन अनुभव जी से। अनुभव जी बोलिए, फिर मैं आरएलडी के नेता बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा जल्दी से। दुर्गेन जी, जिनका जिनको जिन महापुरुषों को आज सम्मान दिया गया है, सभी राजनीतिक दल उनका स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब नरसिम्हा राव की बात कर रही है तो आपको अच्छे से याद है, पूरे देश को भी याद है कि नरसिम्हा राव जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका जब देहांत होता है तो उनके क्रिमिनेशन के लिए उनकी अंतिम क्रिया करने तक के लिए दिल्ली में उनको जगह नहीं दी जाती है, इस तरीके का उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और बार बार जहां तक चौधरी साहब की जो बात आ रही है, आपको भी पता हमको पता देश को भी पता, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लखनऊ में है वो किसी और की देन है, वो नाम पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों को सम्मान देना जानती है। तो अडानी एयरपोर्ट हो गया है ना, अडानी एयरपोर्ट हो गया। ये तो आप बोल रहे थे, हमने बीच में बोला नहीं, आप नहीं बोल पाते। चंचल यादव बोले नहीं है, देखिए वो शरीफ आदमी है, वो मैच्योर नेता, डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए उनको। अनुभव बोलिए। चौधरी साहब के नाम पे नाम पर करने का काम उनका, और जो बार बार अभी पीडीए के यहाँ दुहाई दे रहे थे, रुपेन जी आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि दलितों के साथ जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में करा गया, 2019 में जो सबसे बड़ा गठबंधन का प्रयोग हुआ था सपा बसपा का, वो फेल हो गया। बहन जी का इनके साथ अलायंस करने के बाद भी दलित समाज के लोगों ने इन पे विश्वास नहीं करा, क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी की सरकारों में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी। ठीक है अनुभव भाई, ठीक है। अब जब मैं आरएलडी के नेता को चर्चा में लेता हूं, सचिन सिरोहा जी, बहुत अच्छी बात है, चौधरी साहब के लिए बहुत सभी मांग कर रहे थे, और निश्चित रूप से उनसे बहुत ही डिजर्विंग कोई अद्भुत व्यक्ति, किसानों के मसीहा, चौधरी साहब के बारे में कोई उंगली उठा नहीं सकता क्योंकि उनका पूरा जीवन एक तपस्या की तरह रहा है। लेकिन क्या उनके उत्तराधिकारी चौधरी साहब का नाम इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या अपने निहित स्वार्थों के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? और दूसरी बात यह है कि क्या वो किसान सवाल नहीं पूछेंगे क्या चौधरी जयंत से, सचिन सिरोहा? किस बात के लिए किसान सवाल पूछेंगे? ऐसा क्या जयंत चौधरी जी ने कर दिया? वही इसी सरकार का विरोध कर रहे थे, अब एनडीए के साथ जा रहे हैं वो, इसलिए सवाल नहीं पूछेंगे क्या? किसानों के विश्व के सबसे बड़े नेता परम शरद चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान देने का काम भारत सरकार ने किया। हम आदरणीय मोदी जी का, राष्ट्रपति जी का और उन सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं जिन लोगों ने चौधरी साहब को सम्मान दिया। पूरा देश बधाई दे रहा है, हम सब बधाई दे रहे हैं। रही बात, ये कोई एहसान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चौधरी साहब पे नहीं किया। चौधरी साहब बहुत पहले से इसके हकदार थे। राजनीतिक दलों ने द्वेष भावना के चलते चौधरी साहब को अब तक इस सम्मान से अछूता रखा था, लेकिन हम मानते हैं कि देर है दुरुस्त आए। और अभी देखिए, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसके लिए बधाई देना कोई बुरी बात नहीं। अरे ठीक है, बधाई दीजिए, लेकिन कल तक जिसके खिलाफ आप खड़े थे, लोकतंत्र खतरे में बता रहे थे, आज कूद के उसके पाले में चले जाएंगे खाली इस बात के लिए? नहीं, अभी कौन कहीं गया नहीं है। अरे अब मन ढकिए, सब कुछ खुल गया, वो कह रहे किस मुंह से इनकार करूं आपके नेता भाई, अब खुल चुका है कुछ, अब कुछ भी नहीं बचा है मेरे भाई, आप ढको या हम ढके, अब हो नहीं सकता कुछ, क्लियर है। सम्मान देने का काम किया आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, उसके लिए बधाई दी है मोदी जी को।
अरे बधाई तो सभी लोगों ने दी, नरसिम्हा राव के पोते ने भी बधाई दी है, नरसिम्हा राव के पोते ने बधाई दी, हमने भी बधाई दी है, राघवेंद्र राजू ने भी बधाई दी है, रामचंद्र मूर्ति साहब ने भी बधाई दी है कि भाई बहुत अच्छा काम किया आपने। यही काम जैन चौधरी जी ने भी किया है। अच्छा वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं एनडीए के साथ में? अब ये निर्णय लेने का काम आदरणीय जैन चौधरी जी करेंगे, उनको वो ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम नहीं तय कर सकते। अच्छा ठीक बात है, मतलब आपको अभी इसमें भी संदेह लग रहा है। मैं मूर्ति साहब के पास जाऊंगा एक छोटी सी टिप्पणी के लिए। मूर्ति साहब आपके पास आ रहा हूं, दक्षिण में जैसे कि बार बार ये कहा जाता है कि दक्षिण में 132 सीटें हैं लोकसभा की, बीजेपी कहां पर है वहां पर? क्योंकि आज कल दो दिन पहले चंद्रबाबू नायडू मिलते हैं, फिर आज जगन मोहन रेड्डी मिलते हैं दो आंध्र प्रदेश के, क्या बीजेपी को लेकर वहां क्या किस तरीके की समीकरण माहौल है? और नरसिम्हा राव जी को इस जो उन्होंने दिया है भारत रत्न, क्या इसको लेकर कोई समीकरण वहां बनता नजर आ रहा है? एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूं मैं मूर्ति साहब। दक्षिण में खाली कर्नाटक में बीजेपी को कुछ सीट मिलेंगी, ज्यादा सीट कर्नाटक में मिलने वाला है और कोई प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक के सिवा तेलंगाना में थोड़ा बहुत है। कर्नाटक तेलंगाना में 5-6 सीट तक पा सकते हैं। हाँ, चार तो उनकी थी पहले। हाँ, चार रही है इस बार। चार थे जी, और 5-6 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता। अभी वो का मूड ऑफ द नेशन बोल के इंडिया टुडे का सर्वे आ गया, उसके एस्टिमेट से बीजेपी को 3 आने वाले हैं तेलंगाना में जी, और बीआरएस को 3 आने वाले हैं, कांग्रेस को 10 आने वाले हैं। और कर्नाटक की क्या स्थिति आपको नजर आ रही बींग ए जर्नलिस्ट कर्नाटक की? कर्नाटक में बीजेपी का परिस्थिति बहुत अच्छा है, तो जेडीएस से शामिल है वो, अब जेडीएस उनके साथ नहीं था असेंबली इलेक्शन के दौर पे, अब जेडीएस उनके साथ है, जेडीएस और बीजेपी मिलकर के बहुत मजबूत बन सकता है। वहां पिछली बार भी बहुत सीटें जीती थी बीजेपी ने, 26 सीटें जीती थी पिछली बार वहां पर। और बाकी बाकी जो राज्यों में क्या स्थिति नजर आ रही है? तमिलनाडु में, केरल में 2-3 हो सकता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि नरसिम्हा राव के जरिए उन्होंने कुछ वहां कोशिश की है? नरसिम्हा राव इज ए ब्राह्मण, अपर कास्ट, बट ही वर्क फॉर लोअर कास्ट, ही वर्क फॉर बैकवर्ड क्लासेस व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर इन 1972, ही गेव मेनी फीस टू बैकवर्ड क्लास पीपल, सो ही इज पॉपुलर विद ऑल कास्ट, ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, सो उनका असर भी थोड़ा बहुत रहेगा, इट विल फेवर बीजेपी, the non-decisive vote, vote that is not decided so far will go to BJP. ठीक है, ठीक है, थैंक यू राजू जी। एक संक्षिप्त टिप्पणी, इस पूरा गुणा गणित के बीच क्या परिदृश्य आप देख रहे हैं जल्दी से? अनम्यूट करिए राजू जी। आने वाले समय में एक तरफ विश्वास मत को लेकर नीतीश कुमार द्वारा को क्या स्थितियां बनती हैं, मैं समझता हूं जिस तरीके से वहां लग रही है स्थितियां तो बड़ी भयावह स्थितियां हैं, लेकिन आज अगर जयंत चौधरी जी जैसा कि यहाँ जनमानस में है कि 12 तक कोई बड़ा निर्णय जयंत चौधरी जी के पक्ष में हो सकता है, और जयंत चौधरी जी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाते हैं तो एक ये भी कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि अपना दल कमेरा भी जयंत चौधरी जी के माध्यम से ही समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था, तो ये भी है कि अपना दल कमेरा भी किसी तरीके से एनडीए का सहयोगी बन पाएगा। तो ये तमाम जो बड़ा भाग चल रहा है, एक तरफ में जब पिछले दिनों कल आगरा में था तो वहां यह भी था कि महान दल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो भी मौर्य समाज का एक बड़ा दल है, तो ये तमाम बड़ा भाग जो चल रहा है, अगर 405 पार करने का जो लक्ष्य और खड़गे जी ने कह भी दिया सदन में, तो मोदी जी ने उसे मान भी लिया कि आशीर्वाद हमको मिल गया, तो राजनीति में शतरंज का ये दौर है, कल कुछ और था आज कुछ और। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, अनुभव जी, चौधरी कमरपाल साहब, सचिन सिरोहा साहब, चंचल यादव, गौरव जैन साहब और रामचंद्र मूर्ति साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार, धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। सवाल यही है कि ये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, सवाल कुछ भी उठाइए, लेकिन वो इतने मंझे हुए नेता हैं कि वो प्रतीकों का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और संदेश जाता है, निश्चित तौर पर जाता है। जिस वर्ग के, समाज के, फैटर्निटी के व्यक्ति को सम्मान मिलता है, वो पूरा समाज खुद को सम्मानित होता है और सम्मान देने वाले के प्रति कहीं ना कहीं मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।